जो सूरत हाल चल रही है इस पर मुख्तसर जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि आपको ये कामयाब होता नजर आ रहा है, यानी आपको लगता है उस कामयाबी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो अलग सवाल, लेकिन आपको ये लग रहा है कि 12 अरब IMF से हमें मिल जाएंगे पैसे? कामयाब होना जो है हमारी जरूरत है। अभी हमारे रिजर्व जो हैं, वो जो स्टेट बैंक रिजर्व हैं, वो 3.1 बिलियन डॉलर पे हैं और इसमें वो 7-8 बिलियन डॉलर जो हैं, जो कि हम लोगों ने डिपॉजिट के तौर पे लिए हुए थे अपने फ्रेंडली कंट्रीज, वो शामिल हैं। और इसमें वो जो हमने स्वाप किए हुए हैं, ये अपने डिपॉजिट जो हैं कस्टमर अपने डिपॉजिट होल्डर्स के, वो भी शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि हम बहुत बड़े नेगेटिव में फिर रहे हैं इस वक्त टेरिटरी में, तो ये हमारे लिए एक किस्म से अशद जरूरत है। देर इज नो चॉइस कि ये हमने जो भी वो हमें कहेंगे हमें करना, भी ठीक है निगोशिएट करें उनसे और जितनी सहूलत हम उनसे ले सकते हैं लें, लेकिन इस वक्त हम जो इस हुकूमत की कारकर्दगी है और जो इनडिसीजन है, जो पहले मुफ्ता इस्माइल ने किया और फिर जो डार साहब ने किया, वो हमें इस लेवल पे लेके आ गई है कि अब हमारे पास कुछ चॉइस नहीं है। आप कह रहे हैं IMF को ना कहना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब ये तो फिर सवाल ही नहीं बनता कि भाई ये IMF नहीं करना पड़ेगा, अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, इस पर लड़ाई लड़ लें जितनी अच्छी डील मिल सके। अच्छा, आपने चूंकि आवाम जरा ये बात करते हैं ना कि मुफ्ता साहब और इसहाक डार साहब, डोंट यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन द टू? आपने दोनों का एक ही सांस में नाम लिया। मुफ्ता साहब तो बड़ा वोकल थे इस बारे में कि IMF के पास भी जाना चाहिए, रुपी डॉलर का भी हवाले से फ्री फ्लोट एक काम रखना चाहिए, फिर जाहिर उनको उनकी लीडरशिप ने इजाजत नहीं दी। सो एज फार एज मुफ्ताज अप्रोच इज कंसर्न, डोंट यू थिंक दैट वॉज करेक्ट? नहीं नहीं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा हूं, मैं कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि देर लगाई उन्होंने, उन्होंने वावेला मचा दिया पहले आते ही। ये इकॉनमी सही चल रही थी, ये 182 पे डॉलर खड़ा हुआ था, आपके पास उस वक्त जो थे बिफोर जो आपकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस 16 बिलियन के रिजर्व थे। चैलेंजेस आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी किया, उस वक्त 10.8 बिलियन थे और 2.3 बिलियन वो था जो कि हमने पेमेंट की थी चाइनीज बैंक्स को, जो एक महीने में वापस आ जाने थे। तो 13.1 या 13.2 बिलियन के हमारे पास रिजर्व थे और हमने वो जो सुपर साइकिल था उसका ब्रंट जो है वो सह लिया था। अब हमारी जो मंथली जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 500-600 पे आ गया था, तो हमने उसको इकॉनमी 6% पे ग्रो कर रही थी और हमारे रेवेन्यू रिकॉर्ड जा रहे थे, एक्सपोर्ट्स जो है मोमेंटम था। अभी तो टर्फ के जो चीजें हैं, जो मशीनरी जो एक्सपेंशन की थी, वो उसका इम्पैक्ट ही नहीं आ रहा था, वो भी उसने आना था, रेमिटेंस जबरदस्त जा रही थी। तो अगर ये वावेला ना मचाते मुफ्ता साहब कि जी वो हो मारे गए, ये तो फिजिकल डेफिसिट है, ये तो पता नहीं कि 6.4 ट्रिलियन पे चला जाएगा, 9 महीने में 2.6 ट्रिलियन था, वो भाई एक क्वार्टर में कैसे हो सकता है वो 6.4? अच्छा फिर जी फिजिकल करंट सेंटिमेंट खराब हुआ, बैड मार्केटिंग हुई हमारी अपनी इकोनॉमी। नहीं जी, एक तो सेंटिमेंट खराब हो गया दोनों साइड्स पे, एक तो आपके इंटरेस्ट रेट्स पे बैंकों ने कहा इतने अगर ये बोरो करेंगे उन्होंने रेट चढ़ा दिए, और जो आपकी जब उन्होंने कहा कि 9 बिलियन डॉलर ये है 3 महीनों में इनका करंट अकाउंट डेफिसिट और होगा, तो वो एकदम रुपया जो है वो बितक गया, वो गिरना शुरू हो गया। तो फिर IMF ने भी कहा ओहो, वो पीछे हट गए और उन्होंने कहा अच्छा इनसे अब जो हम करवाएंगे वो सख्ती करेंगे इनके साथ, तो वो सख्त तरीन उन्होंने इनको कंडीशन दी। तो ये मैं मुफ्ता की ये नहीं कहूंगा कि उसने वो डिसीजन नहीं लिए, उसने लिए, लेकिन वो जो डिले किया फ्रॉम अप्रैल में उनको कोई जरूरत नहीं ऐसी बात, अगर उनका ख्याल था कि IMF जो है वो हमारे फ्रीज से तंग है या वो नहीं मान रहा, तो 100 बिलियन का नुस्खा था अप्रैल में, वो PSDB को काटते और उसको कहते हाँ चल हम चल हम जो आप कह रहे हैं हम कर रहे हैं और उसमें कुछ और चीज ना होती। लेकिन जब वो किया तो IMF ने फिर ये किया कि अगस्त में जाके आपको पैसे दिए, तो क्या हुआ आप ना अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में जाके वो जो डिले हुई और आपके पास इनफ्लोज नहीं आ रही थी, डॉलर कोई नहीं भेज रहा था क्योंकि सबने लिंक कर दिया IMF के साथ, तो आपको उस वक्त जो प्रेशर आया ये इसी तर्ज की ताखीर। शौकत साहब, एक दफा जब खान साहब की गवर्नमेंट में नई नई आई थी, असद उमर साहब थे वजीर खजाना और गवर्नमेंट कश्मकश का शिकार थी, पूरी कोशिश कर रही थी कि IMF के पास ना जाना पड़े,
कहीं और से अरेंज हो जाए। इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड भी कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं पैसे थोड़े से आ जाए तो फिर आईएमएफ से अच्छी डील मिल सकेगी, और फिर उस वक्त भी एक हमें बड़ा उसका नुकसान हुआ था। ये उससे कुछ मैं एग्जैक्टली पैरेलल तो ड्रॉ नहीं हो सकता, लेकिन ये उस तर्ज की गलती उस वक्त भी हुई थी आपके ख्याल में कि फौरन नहीं गए थे? मेरे ख्याल में उस वक्त भी इनको जल्दी चले जाना था, ये चाहिए था। और खान साहब असल में जाके वो पहले कह चुके थे मैं आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहूंगा, तो वो कोशिश कर रहे थे कि मैं अपने दोस्त ममालिक। मैं इसका आपको उल्टा एक किस्म का एग्जाम्पल देता हूँ। जब अक्टूबर 2008 में मैंने टेक ओवर किया तो इससे भी बदतर सिचुएशन थी। हमारे पास खजाने में $500 मिलियन पड़े हुए थे और मुझे पेमेंट करनी थी दिसंबर में कोई $1 बिलियन की, और मैं चला गया अमेरिका। उस वक्त उनके वो थे और मुझे मेरे सदर साहब थे उस वक्त अपना हमारे आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने कहा नहीं फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान पैसे दे देगा तुम फिक्र, हाँ तो उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें। मैं उधर गया तो मुझे वहां आईएमएफ ने कहा कि हमारी यहाँ इस वक्त एनवायरमेंट बड़ी अच्छी है कि हम मुल्कों को हेल्प करने चाहते हैं, तो मैंने कहा नहीं हमें फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान पैसे देंगे, तो उन्होंने मुझे कहा यार चलो दे देंगे लेकिन तुम इस वक्त बैठ के अपनी इंश्योरेंस तो कर लो, एक प्रोग्राम अग्री कर लो और वो तुम्हारे फेवर में होगा, और बाद में अगर वो ना तुम्हारे फ्रेंड्स आए तो वो तुम ले लेना। मैंने वही किया, मैंने जरदारी साहब को टेलीफोन किया, मैंने कहा मुझे तो इंश्योरेंस चाहिए। मैंने उधर वो किया ऑलमोस्ट 6 times ऑफ आर वो जो हमारा जो कोटा है $11.5 billion का प्रोग्राम 40% अप फ्रंट करके मैं आ गया, और मैंने कहा जी जब अगर जब मैंने साइन करने होंगे कर दूंगा। वही हुआ, फ्रेंड सामने नहीं आए लेकिन आई हैड डन द डील और वक्त के मुझे पैसे मिल गए और चीजें स्टेबलाइज हो गई। तो मैं ये कह रहा हूं कि हर चीज का एक वक्त होता है। वही चीज नड्डा साहब ने की, आते ही इन्होंने कहा कि मैं तो रुपए को 200 से नीचे लेके चला जाऊंगा और फिर मैं आंखों में आंखें डाल के आईएमएफ से जो उनकी कंडीशनलिटी को ठीक कर दूंगा। और वो फिर हुआ ये कि वो हुआ नहीं, और उससे अब आज की आप तस्वीर देख रहे होंगे कि ये बड़ा अपीजमेंट के मूड में है सारे के सारे हमारी साइड, और वो उनके स्टोन फेस्ड वो चुप करके बैठे हुए हैं और वो जाहिर है वो चाहते हैं कि वो ये वो करें। वैसे ये भी मैं जिमनी सवाल सोच रहा था कि ये ऐसा क्या, यानी वो क्या मसलियत थी उस वक्त आईएमएफ की कि आईएमएफ वाज बीइंग सो काइंड कि वो हमसे कह रहा था यार आप पैसे ले लें, अच्छा भी नहीं ले तो अश्योरेंस दे दें। इस तरह की बात डॉक्टर अशफाक हसन साहब भी करते हैं इसी जमाने का हवाला देकर, वो इसका ताल्लुक उस वक्त के आलमी हालात से था या क्या था? हाँ दो चीजें होती हैं ये हमेशा आप इसको, क्योंकि मैं अब इनके साथ दो डील कर चुका हूं। ये जिस रुख में हवा चल रही होती है अमेरिका और वेस्ट की, अगर आप उसके साथ हैं हाँ। तो बहुत फेवरेबल आपको टर्म्स मिलेंगी, पहली बात। दूसरा वक्त उस वक्त जो है वो क्योंकि 2008 हो चुका था और बड़े बड़े मुल्कों को चपेट पड़ चुकी थी, लोग जो हैं आईएमएफ को गालियां दे रहे थे कि भाई ये हमेशा जिसके पास जाते जो इनके पास जाता है ये बिगाड़ करते हैं सुधारते नहीं है। तो आईएमएफ डिफेंसिव पे था, बैकफुट पे था, वो चाह रहे थे कि यार हम लोगों को हेल्प करें, तो ये दोनों चीजें थी। देखिए शौकत साहब, ये जो आपने पहली मिसाल दी, मैं अशफाक हसन साहब भी इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि उस वक्त हमारे मामलात अमेरिका से अच्छे थे और वो आपने जिस तरह कहा कि जिस तरह आपके वेस्ट के हालात होते हैं आपके ताल्लुक होते हैं उसकी आईएमएफ का बिहेवियर भी उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक इकोनॉमी की सिचुएशन है, इकोनॉमी के फैक्ट्स और एक पॉलिटिकल नैरेटिव है। अगर ये नैरेटिव पॉलिटिक्स का सही है कि जनाब ये अमेरिका के गुलाम है, अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका इनको लाया है, तो फिर तो अमेरिका शुड बी काइंड टू देम, आईएमएफ शुड बी वेरी काइंड टू देम, क्योंकि तो अमेरिका ही तो लाया है इनको, अपनी लाई भी गवर्नमेंट को पैसे नहीं दे रहा। देखें जी, पहली बात तो ये है कि आपका उस वक्त आप वॉर ऑन टेरर में एक्टिवली इन्वॉल्व थे, पहली बात तो वो तो उनको तो आपकी उस वक्त बहुत जरूरत थी। इस वक्त कोई आप उनकी किसी वॉर वगैरह में वो नहीं है, आप यू नो दे वांट यू टू बी ऑन द राइट साइड बिकॉज अफगान सिचुएशन, लेकिन वो ये भी जरूर चाहते हैं कि आपको इतना हम इस लेवल पे रखें कि ना आप मतलब जी सकें ना आप मर सकें, बिकॉज नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान की जो फिलासफी उनकी है उसमें तो वो आपको ये चाहते हैं ना कि वो आपको क्रचेस पे रखें। तो अब जो जरा उस वक्त से ये डिफरेंट चीज है, ठीक है देर या अभी आपकी उनके साथ दोस्ती है मतलब या बन रही है, बट हैविंग सेड दैट अभी उनको आपकी इतनी जरूरत नहीं है जितनी उस वक्त थी।